नमस्कार, क्या आपका बच्चा बहुत झूठ बोलता है? क्या जब वो छोटा था तब भी झूठ बोलता था? जब उसने बोलना शुरू किया था तो हर छोटी बड़ी गलती या कुछ भी होती थी वो बड़े भोलेपन से आपसे बोल देता था। जब बहुत छोटा था तब तो आप उसकी थोड़ी गलतियाँ माफ़ कर देते थे, लेकिन थोड़ा जैसे ही बड़ा हुआ अगर उससे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि उसे सही बताना है या उसने गलती किया ये जताना है, इस वजह से उस पर बहुत ज़्यादा हल्ला करने लगते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं, उसे कई बार तो पीट भी देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसके दिमाग में क्या आ रहा है बच्चे के, कि जब उसने अपनी गलती को माना या सच बोल दिया तो उसे इतने सारे कंसिक्वेंसेज झेलने पड़े, इतनी सारे चीज़ें थी जो उसे फेस करनी पड़ी। कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा भी करने लगते हैं कि तुमने झूठ बोला, तुमने ये किया वो किया, बहुत तरीके की बातें। तो होता क्या है कि बच्चा धीरे धीरे ये सोचने लगता है कि सच बोलने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसे झेलना पड़ता है। कई बार दोस्तों के सामने भी बेइज्जती सहनी पड़ती है, कई बार बाहर के लोगों के सामने भी बेइज्जती सहनी पड़ती है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स ऐसा समझते नहीं हैं। कोई आता है उनके घर में बड़े बुजुर्ग तो उनके सामने बोल देते हैं कि देखिए इसमें बहुत झूठ बोलने लगा है, मुझसे तो समझता नहीं, प्लीज़ आप ही समझाइए। तो क्या होता है कि उसे बार 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 बहुत ज़्यादा अपमान का सामना करना पड़ता है। तो इसका एक बहुत आसान और सरल उपाय उसे दिखता है कि सच को बोला ही ना जाए, उसे जिस बात में उसे लगता है कि या तो मुझे डांट पड़ेगी या पिटाई हो सकती है, उस बात को वो बच्चा क्या करता है, चालाकी से छिपा लेना चाहता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होता है। वो डांट से बचना चाहता है, किसी को बचाना चाहता है, या कई बार अपने पेरेंट्स के स्ट्रेस को नहीं बढ़ाना चाहता इसलिए वो झूठ बोल देता है। तो होता क्या है कि पेरेंट्स जाने में अनजाने में अपने बच्चे को शुरू में मोड़ देते हैं कि बेटा तुम झूठ बोलो, क्योंकि अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हारी बहुत अच्छी खासी पिटाई होने वाली है या डांट पड़ने वाला है या बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा होने वाला है। तो हम लोगों को बचपन से ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गलतियाँ होंगी, गलती हो किया है बच्चे ने, कोई गुनाह नहीं किया, तो गलतियाँ होंगी, लेकिन आप उसे समझाइए, क्योंकि बच्चा गलत नहीं है, वो जो काम किया गया है वो गलत है, बच्चे को समझ नहीं है। तो आप बताइए कि ऐसा किया गया या ऐसा तुमने किया ये सही नहीं है, गलत है, आगे से तुम इसका ध्यान रखना। आप कई बार समझाने के चक्कर में भी हम लोग इतना ज़्यादा बोलने लगते हैं, इतना ज़्यादा बोलने लगते हैं, बच्चे फिर सुनना छोड़ देते हैं आपको, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन जो होता है वो बहुत लंबा नहीं होता। एक सर्टेन फेज के बाद पेरेंट्स बोलते रहते हैं, बच्चा सुनता ही नहीं है। तो आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया उसके सच को, इसलिए बच्चा सीख रहा है झूठ बोलना। एक तो ये कारण है। दूसरा एक कारण है कि बच्चे सीखते हैं जो आप सिखाते हैं उससे सिर्फ 20%, लेकिन जो वो देखते हैं उससे सीखते हैं वो 80%। तो घर में उनके आसपास क्या हो रहा है, कई बार होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो डिप्लोमेटिक आंसर करते हैं किसी के सामने, बच्चा तो दोनों तरफ का सब कुछ देख रहा है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें कि बच्चों के सामने बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें ना करें। कई बार पेरेंट्स कोई आता है उससे मिलना नहीं है, या फ़ोन आया उससे बात नहीं करना, तो धीरे से बोल देते बोल दो नहीं हूँ, या कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब बोल देते हैं। पेरेंट्स को ये चीज़ बिल्कुल भी बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए, बल्कि करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं बात करना है तो आप उनसे डायरेक्टली बात करिए, जिनसे भी आप, उनको बोलिए कि अभी आप व्यस्त हैं या जो भी हैं, लेकिन बच्चों को ये चीज़ आप मत दिखाइए कि आप भी झूठ बोल रहे हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं तो बच्चे को तो लाइसेंस मिल गया कि अगर मम्मी पापा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखनी चाहिए, इससे बच्चे झूठ बोलना सीखते हैं आपको देख देख कर। तो बच्चे झूठ ना बोलें इसके लिए पेरेंट्स क्या करें, आप बच्चों की गलतियों को स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करना सीखिए। हाँ, उन्हें ज़रूर समझाइए कि ये गलत चीज़ है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस पर ओवर रिएक्ट मत कीजिए, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि उसने पाप कर दिया, वो आगे और भी आपसे कुछ भी शेयर करने में डरने लगे। और उसे आप बताइए कि हर गलती से बढ़कर सबसे बड़ी गलती झूठ बोलना है, बाकी तुम्हारी गलतियों को मैं स्वीकार कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन तुम्हारी झूठ को स्वीकार नहीं करूँगा। तो उसे कंफर्टेबल कीजिए कि उसकी हर गलती को आप स्वीकार करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, उसे ओवर रिएक्ट नहीं करिए, उसे
प्रोत्साहित कीजिए कि वो आपसे सच बोले, क्योंकि जब उसे उस झूठ सच का इतना बड़ा कंसिक्वेंसेस नहीं झेलना पड़ेगा, उसने कुछ भी गलती की आपसे आकर उसने बोला और आपने बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं किया या आपने बहुत ओवर रिएक्ट नहीं किया, तो बच्चा कंफर्टेबल होगा कि आपसे वो आकर हर बात शेयर करेगा, उसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने उसे ये कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि वो आपसे आकर शेयर करेगा और आप कैसे उस पर रिएक्ट करेंगे, तो वो आपसे बातें छुपाएगा या झूठ बोलेगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स का ये बहुत बड़ा रोल है कि आप बचपन से उसकी हर छोटी मोटी हरकतों पे ध्यान दें और आप बिल्कुल शुरू से इस चीज़ पे नज़र रखें कि आपका बच्चा कहाँ झूठ बोल रहा है, और उसे आप पहले कन्विंस करें, उसे रिलैक्स करें अगर छोटा बच्चा झूठ बोल रहा है, उसे ऑप्शंस दें, बार बार पूछें कि तुम श्योर हो कि तुम सही बोल रहे हो। तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे जब वो सच बोलेगा, डगमगाएगा, सच बोलेगा, और तब फिर आप बहुत शांति से उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, उसकी गलती को एक्सेप्ट कीजिए, उसे बस एक बार बताइए कि ये गलत है बेटा, आगे से मत करना, तो वो अगली बार से आपसे सच बोलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकेगा और उसका झूठ बोलने का हैबिट छूट जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।